साल था 2019 और तारीख 5 अगस्त, यानी आज ही का दिन जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस घटना को आज 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अब इस बात पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि क्या जम्मू कश्मीर को 370 की जरूरत थी। धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था, और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इसके मद्देनजर श्रीनगर में आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बल आज यहाँ चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और 35 को निरस्त किया और भारत का संविधान पूरा जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ और उसके आज परिणाम भी आ रहे हैं। आज यहां पर आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, लगाववादी जो हैं जेल में हैं, जहां वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का आम व्यक्ति जो है, और विशेष तौर कश्मीर में अगर 2000 टूरिस्ट आते हैं तो यहां के नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो व्यापारियों को, हर प्रकार के लोगों को, उनको जो है रोजगार मिल रहा है, शांति है। एक समय था कि जब कश्मीर के बच्चे जो है 5 अगस्त 2019 से पहले वो जम्मू आके पढ़ते थे, क्योंकि वहां पढ़ने का माहौल नहीं था। आज वहां पर जो है लोग जो है पढ़ भी रहे हैं, और देखा हमने जैसे स्पोर्ट्स में, और डॉक्टर बन रहे हैं, स्पोर्ट्स में बड़े मेडल्स ले रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, और ये एक जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज हर घर तिरंगा वहां चढ़ता है। एक समय था कि जब मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यह यात्रा आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसके जो है पूरा नेतृत्व कर रहे थे, तो जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है झंडा चढ़ाया था तलाद चौक में। आज हर घर पर झंडा है, आज पाकिस्तानी झंडा आपको दिखता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं, वो चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर विकासात्मक हो।
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ दिया है और देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही हो गया है।